हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जो बहुत ज़्यादा यूनिक और ब्यूटीफुल है, जो आपके गार्डन को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देगा। तो ये जो आपको प्लांट दिख रहा है, इसका नाम है मैग्नोलिया सोलेंजियाना। इस प्लांट की सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि इसके जो फ्लावर्स हैं, आप फ्लावर्स देख सकते हो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल इसके फ्लावर्स लग रहे हैं देखने में। और इस प्लांट के ऊपर आपको कोई भी लीफ यानी कि पत्ती अभी नज़र नहीं आएगी, जो कि एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो आज मैं आपको बताऊंगा आप लोग इसको किस तरीके से ग्रो कर सकते हो, और इस प्लांट के बारे में और भी जानकारी हम लेंगे। और गाइज़, अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ हर रोज़ देखने के लिए मिलती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्लांट के नेम से ही। जैसे कि मैंने बताया, इसका नाम है मैग्नोलिया सोलेंजियाना, और ये दो कलर्स में आता है, पिंक और वाइट। तो अगर आपको ये प्लांट अपने गार्डन में ग्रो करना है, तो आप लोग इसको बहुत इजीली ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हो, और आप लोग इसको बहुत इजीली पॉट में भी ग्रो कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप लोग इसको पॉट में ग्रो करो, तो आपको पॉट जो है वो 24 इंच का लेना है, या फिर उससे बड़ा साइज़ का लेना है, जैसे कि कोई ड्रम ले लिया आपने, या फिर कोई और बड़ा कंटेनर। अगर आप इसको छोटे पॉट में लगाओगे, तो उसकी जो ग्रोथ है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। और ये जो प्लांट है, ये एक सब ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है, तो इसीलिए ये ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं होगा, जैसे कि राजस्थान गुजरात के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये ग्रो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप किसी ठंडे एरिया में रहते हो, या फिर किसी सब ट्रॉपिकल रीजन में रहते हो जहाँ पर ज़्यादा गर्मियाँ नहीं पड़ती, तो आप लोग इस पौधे को बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हो। और हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, ऐसी जगह पर तो ये पौधा बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो खास बात इसकी मुझको लगती है, वो ये है कि इसका जो फ्लावर है, फ्लावर देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, और काफ़ी लंबे समय तक प्लांट के ऊपर टिका रहता है। ऐसा नहीं कि एक दिन फूल खिला और अगले दिन ही गिर गया, कम से कम 4 से 5 दिन तक इसका जो फ्लावर है वो इसी पौधे के ऊपर लगा रहता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस प्लांट को ग्रो करना है, तो आप लोग इसको कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो, क्योंकि जो प्लांट है थोड़ा कॉस्टली होता है। नॉर्मल इसका जो छोटा पौधा होता है, वो भी 500 रुपये से स्टार्टिंग होती है इस पौधे की, और अगर आप इसका बड़ा प्लांट लोगे तो वो और ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन आप लोग इस पौधे को कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हो। सो अगर आपको इसको कटिंग से ग्रो करना है, तो आप नॉर्मल इसकी कटिंग लीजिए और इसको सैंड में लगा दीजिए, और लगाने से पहले आप लोग इसकी कटिंग में रूटिंग हार्मोन पाउडर ज़रूर लगा दीजिएगा। उससे जो रूटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, और हमारा जो पौधा है उसके सक्सेस होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। बेसिकली पौधा नहीं, जो हम कटिंग लगाएंगे उसके सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, इस प्लांट में आपको फर्टिलाइज़र भी डालना है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि प्लांट लगा दिया, मिट्टी सही, उसको खाद पानी मिलता रहे और हमको कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, तो ऐसा नहीं है। आप लोग पौधे में नॉर्मली खाद ज़रूर डालें, आप लोग वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद। तो एक चीज़ मान लीजिए कि ये तो आपको पौधे में डालना ही डालना है, और सरसों के खली आप डाल सकते हो, सी बीड फर्टिलाइज़र आप इसमें डाल सकते हो। ये सभी चीज़ें जो हैं मैंने आपको ऑर्गेनिक बताई हैं, तो ऑर्गेनिक चीज़ें आपको अपने प्लांट में ज़रूर डालनी चाहिए। उससे आपके प्लांट के ऊपर काफ़ी अच्छा इफेक्ट होता है, और उसकी जो फ्लावरिंग है वो भी इस तरीके की हो जाती है। अब कुछ लोगों के ये कमेंट आते हैं कि सर, हमारे पास ये वाला प्लांट पहले से ही गमले में लगा हुआ है, या फिर ज़मीन में लगा हुआ है, और उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही। तो फ्लावरिंग ना होने का एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आप लोग जो मिट्टी है उसमें फर्टिलाइज़र ऐड नहीं कर रहे हैं, यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो न्यूट्रिएंट्स है बेसिकली, जिससे प्लांट को एनर्जी मिलती है, जिससे प्लांट अपनी ग्रोथ बढ़ाता है, फ्लावरिंग करता है, फ्रूटिंग करता है, वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो वो आपको अपने प्लांट में ज़रूर डालने चाहिए। तो चलिए, मैंने आपको एक तो ये पिंक इसके कलर दिखा दिया, अब मैं आपको इसका एक कलर और दिखाता हूँ, जो कि है वाइट वाला कलर। और ये देखिए, ये है इस प्लांट का वाइट वाला कलर। इसमें भी हल्का हल्का सा पिंकिश शेड है, जैसे कि ये देखिए जो नीचे है, इसमें हल्का सा पिंक कलर है। तो दो कलर इसके बेसिकली बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। और एक चीज़ आप और ध्यान कर सकते हो, जैसे कि जिन एरियाज़ में जो कचनार का ट्री होता है वो ग्रो हो जाता है, तो उन एरियाज़ में ये प्लांट बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगा। तो ये एक मैंने लेमैन लैंग्वेज में आपको बताया, ताकि आप सभी को पता लग सके कि ये प्लांट किस कौन से एरिया में ग्रो होगा। कई बार क्या होता है, हम प्लांट लगा लेते हैं लेकिन वो ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो पाता। उसका एक सबसे बड़ा मेन रीज़न ये भी होता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है काफ़ी एरियाज़ का, वो मैच नहीं कर पाता। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें जो वाटरिंग है, वाटरिंग आपको इसमें नॉर्मल करनी है, डेली करनी है, यानी कि ज़्यादा वाटरिंग की इसको ज़रूरत नहीं है, ये हल्के पानी में ही ग्रो हो जाता है। और सॉइल आप इसमें जो लोमी सॉइल, अगर आप इसको मिट्टी में लगा रहे हैं, तो आपको ऐसी इसको मिट्टी में लगाना है जिसमें जो पानी है वो अच्छी तरीके से ड्रेन आउट हो जाए, यानी कि पानी ज़्यादा समय तक खड़ा ना रहे उस मिट्टी में। और अगर आप लोग इस प्लांट को गमले में लगा रहे हो, तो आपको जो सॉइल है वो लोमी सॉइल बनानी है, यानी कि आपको थोड़ी सी सैंड भी उसमें मिला देनी है, ताकि जो ड्रेनेज सिस्टम है पॉट का वो काफ़ी अच्छा बन जाए।
सो गाइज आई होप आपको ये जो प्लांट है पसंद आया होगा, इसके जो फ्लावर्स हैं ये भी आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। सो अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है और आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको हर रोज़ देखने के लिए मिलती रहें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए सभी लोगों के साथ जिनको ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है। अब मैं बहुत जल्दी मिलूंगा एक और न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, पेड़ पौधे लगाते रहिए और धरती को हरा भरा बनाए रखिए।